this down. Look. मॉरिशस जो भाई जो आहे तो स्वतःला भाई असं त्या आयसी कॉलनीमध्ये दहशत निर्माण करून तो महिलांवरती अत्याचार आणि त्यांची शारीरिक पिळवणूक करतोय हे ॲक्च्युली चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे पूर्ण हा महाराष्ट्र देशातल्या महिला ज्या आहेत त्या महिला वर्गाचा अपमान आहे. त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त त्याला पोलीस कस्टडी आम्ही मागितलेली आहे आणि माननीय 67 न्यायालयाने त्यांना 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी देऊन पोलिसांना जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. ऑफेन्स काय काय आहे? ऑफेन्स त्याच्यामध्ये 376 आहे, 376 एन आणि 2 आहे. त्याच्यानंतर 354, 420, 406 म्हणजे जी त्याच्या नवऱ्याची फसवणूक केलेली आहे आणि वारंवार तिच्यावर तिला पैसे देतो आणि माझ्या बायकोला मी सोडून तिच्यावर लग्न करतो अशा पद्धतीला आमिष देऊन किंवा तिला अशा आश्वासन देऊन वारंवार तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केलेला आहे आणि ती शारीरिक ती पिळवणूक केलेली आहे. आरोपी खुद कहता मैं दाऊद इब्राहिम का करीबी हूँ. आता तो भाग पोलिसांचा आहे. इट इज नॉट माय पार्ट. देखिए तथाकथित सोशल वर्कर मॉरिस नरोना ये एक नंबर का चीटर है, रेपिस्ट है. इसने एक मासूम महिला को 88 लाख रुपीस का चूना लगाया, उसके हस्बैंड को चूना लगाया. पीड़िता और उनके हस्बैंड ने जब इससे पैसा मांगना शुरू किया इसने उनका यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया. डरा धमका के दाऊद का धमकी दे के बोला कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा. वीडियो क्लिक कर लिए मैडम के और बोला ऐसा मैं कई और के साथ कर चुका हूँ, जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ कई औरों के साथ कर चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मैडम डर गई, अपनी पीड़िता डर गई, तो उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं की. ये अक्यूज्ड में इतना हिम्मत है, ये बोलता है मैं पुलिस किसी से डरता नहीं. हमारी पुलिस से उपेक्षा है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो. इसमें और भी कई औरतों का नाम आएगा, जैसा कि मॉरिस ने हमारी पीड़िता को धमकी दी थी. हमारी पीड़िता को थोड़ा जीवन का भय है. आप लोग थोड़ा बात फैलाइए ताकि उनको पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मिले. वकील साहब सबसे बड़ी बात, पुलिस कस्टडी दिया गया है, 27 तारीख को वापस हम पुलिस एक्सटेंड कराने का प्रयत्न करेंगे अगर पुलिस कुछ रिकवर कर पाए तो. इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अपने आप को डॉन दाऊद का आदमी बोलता है. बिल्कुल तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इसीलिए तो हम उपेक्षा कर रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे. अब हम फरियादी के पीड़िता के वकील हैं, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते. पूरा सरकारी महकमे के हाथ में सब कुछ है. सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा आर्ग्यू करे, सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा मैटर इन्वेस्टिगेट करे. कौन सी धाराओं के अंतर्गत मामला ऑफेंस का क्या क्या मामला हुआ है? ऑफेंस उन पे 88 लाख का चीटिंग का है, जो 406, 409, 420 और वीडियो अभद्र वीडियो क्लिक करने का जो ऑफेंस लगता है 354 सादा, 354 सी बी और मेन ऑफेंस 376 और जान से मारने की धमकी जो उनको और उनके हस्बैंड को दी गई थी 506. पीड़िता और जो आरोपी है क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? बिल्कुल जानते थे. ये लोग एक ही जिम जाया करते थे, वहाँ से इसने इनको स्टॉक किया. इसने जाना कि ये लोग की कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है, वो प्रॉपर्टी की बात से इसने बात आगे बढ़ाई. अभी सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, जैसे और चीज़ क्लियर होती है वो तो आपको पता चली जाएगी. फिलहाल कोई दलीलें सरकारी वकील द्वारा दी गई? सरकारी वकील द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया. उन्होंने सारी दलीलें कोर्ट के सामने स्पष्ट की कि इनसे रिकवरी होनी बाकी है. कोई भी वीडियो कोई भी पिक्चर रिकवर नहीं हुआ है आरोपी से. आरोपी बहुत चालाक है, पीड़िता को जीवन का भय है, ये बहुत ही चालाक आरोपी है. आपने कहा वीडियो क्लिक किया, क्या साइबर के तहत भी मामला दर्ज हुआ? फिलहाल साइबर के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है. पुलिस जब कोई वीडियो रिकवर कर पाएगी तो वो धाराएं पुलिस ऐड कर सकती है, उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं हो सकता.